हेलो स्टूडेंट, वाई आर एस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक की किताब से कुछ सवाले। तो यहाँ पे एक सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 6370 है, तो यदि एक संख्या 63 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपको प्रश्न में दिया रहेगा ये क्वेश्चन, और आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ए यहाँ पे है 49, बी है 53, सी है 59, डी है 69। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे है दो संख्या कोई भी हम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी, चलिए यहाँ पे दो संख्या ले रहे हैं। तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग, तो यहाँ हम लोग वर्ग कर देंगे, यहाँ पे योग कह रहा है तो हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। तो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें दिया है 6370, ये बराबर हो जाएगा 6370। और मुझसे कह रहा है कि एक संख्या 63 है, यही तो ए है, मतलब एक संख्या ये है और ये दूसरी संख्या है, तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 63। यहाँ वर्ग है तो हम लोग को वर्ग कर लेने हैं, और प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर लेंगे, बराबर यहाँ पे है 6370। तो चलिए आप लोग बताइए 63 का वर्ग क्या होगा। तिरसठ का वर्ग करो आप लोग, तो ये 63 का वर्ग आया है 3969, और प्लस बी स्क्वायर बराबर है 6370। मतलब यहाँ पे दिया गया है 6370। तो देखिए हमें क्या मुझसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या याद कीजिए, ए का मान हमें यहाँ दिया था, हमने यहाँ पे रख दिया है, और दूसरी संख्या ये बी होगी, तो बी का मान मुझसे पूछ रहा है, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसको हम लोग रोकेंगे, ये बी स्क्वायर को रोकेंगे, और बराबर हमें दिया है 6370। ये यहाँ प्लस में है, बराबर कुछ तक जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3969। चलिए आप लोग 6370 में से 3969 घटाइए, घटा के बताइए कितना आएगा। 2401 ये आएगा, 2401। देखिए मुझसे कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मुझसे ये नहीं कह रहा है कि दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इस वर्ग को हटाना है, जैसे इस स्क्वायर को हटाएंगे वैसे ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। चलिए हम लोग इसको, ये मतलब ये वर्ग हटेगा, यहाँ पे जगह तो कम है, तो चलो आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, चलो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो ये जैसे स्क्वायर हटेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में, तो ये हो जाएगा b बराबर 2401 होगा। तो अब इसके बाद ये वर्गमूल में है, तो इसका देखिए 2401 का वर्गमूल आप लोग बताइए कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 49। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, तो ये ए पार्ट सही है। ये था पॉलिटेक्निक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन आप लोग आसानी के साथ कर सके। चलिए बताइए, जैसे आपने सर माना कि दो संख्या मान लिया आपने, ए और बी मान लिया सर, एक जैसे आपने 63 जो रखा है एक संख्या, बी की जगह पे हम रख सकते हैं, बी की जगह पे रख सकते हैं, मतलब या बी रख सकते हैं, देखिए इसलिए रख सकते हैं क्योंकि मुझसे ये यहाँ पे प्रश्न में ही कहा है कि आप एक ही जगह पे रखो, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। अगर इस पे रखेंगे तो ए का मान निकलेगा, अगर इस पे रखेंगे, अगर मानते हैं, अगर इस पे मान लो रखेंगे, अगर इस पे मान रखेंगे 63, तब भी ये उधर ही जाएगा, जब इसका वर्ग होगा, मतलब ये 63 यहाँ पे होगा, जब 63 यहाँ पे होगा इसका वर्ग होगा इतना आएगा, ये बराबर उस तरफ जाएगा, फिर वही चीज आएगा, आप कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था पॉलिटेक्निक की किताब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और समझना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, और आप लोग पढ़ते भी रहें, और उसके बाद नई नई वीडियो बनती भी रहेगी, आप लोग देखते भी रहें, जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट भी करते रहें, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए थैंक यू।